डेप्थ इन ब्रीफ 0 किलोमीटर। हम परमात्मा हैं, हम रिद्धियों सिद्धियों की भी नहीं सुनते, क्योंकि स्वाभाविक शून्यता की सवारी करने वालों के लिए सुनना और ना सुनना उतना प्रभावी नहीं रहता। डेप्थ इन ब्रीफ 0 किलोमीटर। वास्तविक शून्यता में होकर, स्वाभाविक शून्यता की डेप्थ में जाकर, ब्रीफली उसका विस्तार ही हमारा ये पृथ्वी लोक या फिर ये संपूर्ण ब्रह्मांड है। डेप्थ इन ब्रीफ 0 किलोमीटर। तो डेप्थ इन ब्रीफ भी उसी निराकार परमात्मा का, उसी शून्य का एक विस्तार है, जिसमें कि मैं भी शामिल हूँ और आप भी शामिल हैं और ये संपूर्ण ब्रह्मांड शामिल है, जो कि हमें इस फिजिकल आँखों से दिखाई पड़ता है। वैसे ये जो हमारी फिजिकल आँखें होती हैं, ये भी दृष्टि होती हैं, लेकिन इनको दिखाने का काम आंतरिक दृष्टि कर रही होती है, जिसे कि दिव्य दृष्टि कहते हैं। लेकिन हमारी ये जो फिजिकल आंखें होती हैं या फिर ये जो दृष्टि होती है, ये सिर्फ सीमित तत्वों को ही देख पाती है। मतलब जो तत्व नहीं दिखाई पड़ते, उन्हें हमारी ये नॉर्मल दृष्टि नहीं देख पाती। अगर हम जो नहीं दिखाई पड़ते उन्हें देखना चाहते हैं, तो फिर हमारी इन फिजिकल आंखों को दिखाने का काम जो आंतरिक दृष्टि करती है, जो कि दिव्य होती है, हमें उसे पकड़ना होता है। तब जाकर ही जो इनविजिबल हमें लग रहा होता है, वो भी हमारे लिए धीरे धीरे विजिबल होने लगता है। हालांकि हमारी इन फिजिकल आंखों से जो भी बाहर को हमें दिखाई पड़ रहा है, इसको दिखाने का काम भी आंतरिक दृष्टि ही करती है, मतलब दिव्य दृष्टि ही करती है। लेकिन जो नहीं दिखाई पड़ता या फिर जो इनविजिबल होता है, उसे देखने के लिए भी हमें आंतरिक दृष्टि का ही सहारा लेना पड़ता है, जिसे कि दिव्य दृष्टि कहते हैं। तो एक सांसारिक इंसान सिर्फ दृष्टि से ही देख रहा होता है, लेकिन जो इंसान साधना के क्षेत्र में आ जाता है, तो फिर उसका नॉर्मल दृष्टि से काम नहीं चलता, उसे दिव्य दृष्टि की जरूरत पड़ती है, मतलब आंतरिक दृष्टि की जरूरत पड़ती है। मतलब एक सांसारिक इंसान ने अपनी इस नॉर्मल दृष्टि से ही इस संसार को देखा और वही उसके लिए सच होता है। लेकिन अगर वो अपनी आंतरिक दृष्टि से देखना शुरू कर देता है, अंतर ध्यान करना शुरू कर देता है, आत्म मंथन करना शुरू कर देता है, तो उसे पता लगता है कि नॉर्मल दृष्टि से आज तक उसने जितना भी इस संसार को देखा था, और वो इस संसार को सच भी मान रहा था और इसके मोह में भी पड़ गया था, जिसमें कि उसका शरीर भी शामिल होता है, वास्तव में ये सब तो सेकंड हैंड होता है, क्योंकि इन सब की शुरुआत एक स्वाभाविक शून्य से हुई है। और जितना हम इस संसार को सीमित दिखाने वाले अपने इन दो आंखों से देख पाते हैं या फिर समझ पाते हैं, उससे कई हजार गुना ज्यादा हमें ये समूचा ब्रह्मांड अंतरिम यात्रा के दौरान दिखाई पड़ता है, और विस्तार से भी दिखाई पड़ता है कि आखिर हमारी या फिर हमारे पृथ्वी लोक की या फिर इस पूरे ब्रह्मांड की उत्पत्ति आखिर हुई कैसे। और अगर हमारी या फिर इस पृथ्वी लोक की या फिर सिर्फ दो आंखों से दिखाई पड़ने वाले इस समूचे ब्रह्मांड की उत्पत्ति हो भी गई है, तो आखिर मैं यहाँ पर क्यों हूँ, मेरा रोल क्या है। इस पूरे अनंत ब्रह्मांड का बोध एक साधक को तब जाकर घटित होता है, जब आंतरिक यात्रा के दौरान उसे ये पता लगता है कि मैं वास्तव में हूँ कौन। और जिस दिन एक साधक को ये पता लगता है कि मैं आखिर हूँ कौन, उस दिन के बाद या फिर उसी क्षण उस इंसान को इस पूरे ब्रह्मांड का भी बोध हो जाता है। और हर साधक की यात्रा तब तक पूर्ण नहीं होती है, जब तक उसे इस बात का जवाब नहीं मिलता है कि मैं आखिर हूँ कौन। तो सब कुछ इसी सवाल पर डिपेंड करता है, और ना ही किसी किताब द्वारा इसका जवाब मिलता है, ना ही कोई सिद्धियाँ इसका जवाब देती हैं, ना ही गुरु द्वारा इसका जवाब मिलता है। ये एक ऐसा जवाब होता है जो अंतरिम यात्रा करने के दौरान स्वतः ही घटित होता है। वो एक अनुभव होता है या फिर वो एक अनुभूति होती है, एक बोध होता है। मैं कौन हूँ का जवाब आपको बाहरी तत्वों द्वारा बिल्कुल भी नहीं मिलने वाला है। एनीवेज, मुझे कुछ व्हाट्सअप आए थे या फिर कुछ कमेंट्स आए थे या फिर कुछ टेक्स्ट मैसेज आए थे, क्या आप पर्सनली गाइडेंस दे सकते हैं। पर्सनली गाइडेंस मतलब एक तरह का बंधन, गुरु शिष्य भी एक बंधन होता है। हमने जो भी ज्ञान आज तक इस संसार में रहकर प्राप्त किया है, अपने अंदर ठूसा हुआ है, वो सब भी बंधन ही होता है। एक दिन हमें इस सारे ज्ञान को भी त्यागना पड़ता है, गुरु शिष्य के बंधन से भी मुक्त होना पड़ता है, पुरुष बंधन से भी मुक्त होना पड़ता है, स्त्री बंधन से भी मुक्त होना पड़ता है। मैं स्वाभाविक शून्यता में होने वाले विषय के बारे में ये लाइन ऐड कर रहा हूँ। जैसा कि आपने कमेंट किया कि क्या पर्सनली आप गाइडेंस दे सकते हैं, मतलब ये भी मेरे लिए एक बाधा जैसी है। हालांकि फ्यूचर में अगर मैं ऐसा कुछ करता हूँ
तो मैं इसी चैनल पर बता जरूर दूंगा। लेकिन अगर आप एक साधक हैं और आपकी साधना रुक गई है, अगर आप किसी से भी गाइडेंस ले रहे हैं, तो जैसा कि हर इंसान हमारे इस भौतिक संसार में अपने मनोरूप ही जीवन यापन करता है, तो उसे गाइडेंस भी मिलती है तो भी वो उसके मनोरूप ही उसको चाहिए होती है। इसका मतलब है वो शून्यता की राह में नहीं चल रहा है, अपने मन को शांत करने में चल रहा है या फिर अपने अहंकारों की तृप्ति हेतु ही उसको गाइडेंस चाहिए। अगर आप एक साधक हैं और आप मेरे वीडियोस देखते हैं और आपको ये वीडियोस बहुत अच्छे लग रहे हैं, तो आपको आत्म मंथन करना है कि मैं ये वीडियो क्यों देखता हूँ, क्योंकि मेरे मन के अकॉर्डिंग इसमें बात सुनने को मिल रही है। क्योंकि हर इंसान इस फिजिकल वर्ल्ड में अपने मनोरूप ही सर्वाइव करना चाहता है। वो किसी को भी अगर देखता भी है, भले ही वीडियो हो या फिर कोई तत्व ही क्यों ना हो, वो भी वो अपने मनोरूप ही देखता है या फिर सुनता है। तो सिर्फ आपके मन के हिसाब से इस चैनल पर काम चल रहा है तो फिर ये आपके लिए एक बहुत बड़ी चिंता का विषय बन जाता है। अगर आप शून्यता की राह पर चलना चाहते हैं, मोक्ष की राह पर चलना चाहते हैं, क्योंकि आपके मन के अकॉर्डिंग यहाँ पर विषय के बारे में चर्चा की जाती है, तो जाकर आप इस चैनल से जुड़े हैं। मतलब आप अभी भी अपने मन के ही गुलाम हैं। और हमारा मन क्या करता है, हमारे एक अहंकार की पूर्ति हो जाती है तो फिर दूसरी इच्छाएं उत्पन्न कर देता है, फिर उसे दूसरे अहंकार की तृप्ति चाहिए होती है। क्या उस तरह की तृप्तियां आपको मिल रही हैं इस चैनल पर आने के बाद, ये सोचने वाली बात है। ध्यान रखें, अगर आप शून्यता की राह पर चल रहे हैं, मोक्ष की राह पर चल रहे हैं, तो बुद्धि और विचारों से यानी मन से आपको पार जाना होता है, जन्म मृत्यु से भी पार जाना होता है, प्रारब्ध से भी पार जाना होता है। क्योंकि जिस भौतिक जगत में हम सर्वाइव कर रहे हैं या फिर जो भी हमारे अंदर भरा हुआ है, ये सीमित दर्जे का होता है। इसके अंदर में जो हमारा बौद्धिक बल होता है वो भी सीमित दर्जे का होता है, और जो रिद्धियां सिद्धियां होती हैं वो भी कुछ सीमाओं तक ही मोक्ष मार्ग पर हमारी मदद कर सकती हैं, उनकी भी एक सीमा होती है। और आपको जानकर हैरानी होगी कि ये जो देव सत्ताएं होती हैं, ये भी ब्रह्मांड के नियमों से बंधी हुई होती हैं, तो चाहकर भी ये हमें मोक्ष नहीं दे सकते हैं। क्योंकि द्वंद्व व्यवस्था वाले हमारे इस भौतिक संसार को इसके लालन पालन का या फिर इसके विनाश करने का या फिर इसको गतिमान रखने का, ये सब जिम्मेदारियां देव सत्ताओं को दी गई हैं। और हमारी इस पृथ्वी लोक के साथ साथ ऐसे और भी बहुत सारे लोक हैं जहां पर अन्य तरह की देव सत्ताओं को इस तरह की जिम्मेदारियां दी गई हैं। लेकिन बजरंग बली मुझे मोक्ष प्राप्त नहीं करवा सकते और ना ही मुझे माँ पराशक्ति मोक्ष प्राप्त करवा सकती हैं। हाँ, इस फिजिकल वर्ल्ड में अगर मेरी कोई इच्छा है तो वो मेरी जरूर पूरी हो जाएगी, लेकिन मोक्ष एक बिल्कुल हटके सब्जेक्ट होता है। तो इसका बिल्कुल भी ये मतलब नहीं है कि अगर हनुमान जी मुझे मोक्ष प्राप्त नहीं करवा सकते हैं या फिर माता पराशक्ति मुझे मोक्ष नहीं दिलवा सकती हैं तो फिर मैं उनके खिलाफ हो जाऊंगा। हो सकता है आप भी एक दिन इस रास्ते पर जरूर खड़े होंगे जब आपको ये सब पता लगेगा। तो फिर एक उच्च स्तरीय साधक होने के साथ साथ मुझे इस बात की भी अनुभूति होती है कि ये जो देव सत्ताएं होती हैं, ये ब्रह्मांड के नियमों से बंधी हुई होती हैं, तो फिर मैं इनके खिलाफ भी नहीं जा सकता हूँ, क्योंकि जो काम उन्हें दिया गया है वो काम उन्हें करना है। वास्तव में ये सब भी स्वाभाविक शून्यता का विस्तार मात्र होते हैं, हालांकि वो हम इंसानों से बहुत बहुत ज्यादा पावरफुल होते हैं। एक वीडियो में ये सब बताना बहुत ज्यादा मुश्किल पड़ता है। और हाँ, एक कमेंट और आया था मुझे, जैसा टाइटल रखा है उतना ही वीडियो सीमित रखा करो, ऐसा बिल्कुल भी नहीं हो पाएगा। आपके मन के अकॉर्डिंग इस चैनल पर कुछ भी नहीं हो पाएगा। इस संसार में जैसा जैसा आपका मन चाहता है वैसे वैसे ही हर इंसान सर्वाइव करता है और इस संसार को भरने में लगा हुआ है, तो इस चैनल में आपके मन के अकॉर्डिंग कुछ भी नहीं मिलने वाला है। और हाँ, जो मोक्ष मार्ग पर चलता है, जिसका सतलोक से संबंध हो जाता है या फिर सतगुरु से जिनका संबंध हो जाता है, वो देवी देवताओं को भी दंडित कर सकते हैं अगर उनकी गलती ना हो तो। और सिर्फ सतपुरुष ही देवताओं को दंडित कर सकते हैं। आपको इस चैनल के वीडियोज अपनी आंखों को बंद करके देखने हैं और अपनी कानों में रुई डाल करके इस वीडियो की वॉइस को सुननी है। मतलब आपको वीडियो देखने के लिए अंतरिम इंद्रियों का प्रयोग करना है, बाहरी इंद्रियों का प्रयोग नहीं करना है। और हाँ, अगर आपके पहले से ही कोई गुरु रहे हैं तो आपको अपने उन गुरु को और उनके ज्ञान को पीछे छोड़कर इस चैनल पर आना है, वरना आपके गुरु का भी इस चैनल पर एनकाउंटर कर दिया जाएगा। क्योंकि आपके जितने भी गुरु हों, उन्होंने आपको शांत किया है तो आप भी उन्हें शांत रहने दीजिए, उनका सम्मान अपनी जगह है। लेकिन इस चैनल पर आपको किसी भी गुरु का सहारा लेकर भी नहीं आना है, वरना इस चैनल पर उनका एनकाउंटर कर दिया जाएगा। और गुरु के साथ साथ आपको परमात्मा को भी इस चैनल पर नहीं लेके आना है, क्योंकि आपका जो परमात्मा है, जो आपकी समझ ने आपको समझाया है, वो भी आपका फर्जी है। तो आपके मनोरूप जो भी मनगणन परमात्मा आपके मन ने बनाया है, उसे लेकर भी आपको इस चैनल पर नहीं आना है, वरना आपके वाले परमात्मा का एनकाउंटर भी इस चैनल पर बहुत ही आसानी से कर दिया जाएगा। तो बार बार आपको अपने गुरु को याद नहीं करना है, उनको भी आप शांत रहने दीजिए, भले ही वो इस दुनिया में हो या ना हो, आप उन्हें शांत रहने दीजिए, क्योंकि उन्होंने आपको
शांत रहना सिखाया था, तो आप भी उन्हें अब शांत रहने दीजिए, क्योंकि इस चैनल पर कोई कथावाचक नहीं बोल रहा है जिसके प्रवचन सुनकर आप 10 मिनट तक शांत हो जाते हैं और घर जाने के बाद आपकी हालत पहले जैसी हो जाती है। बिल्कुल भी कथावाचक इस चैनल पर नहीं बोल रहा है। अगर आप इस चैनल को सपोर्ट करना चाहते हैं तो आपको मेरा मोबाइल नंबर या फिर कम्युनिटी पोस्ट में एक QR कोड देखने को मिलेगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। नमस्कार।